हज़रत मीरा सैयद हुसैन तारागढ़ दरगाह। दोस्तों, मैं आज आपको तारागढ़ की दरगाह लेकर के आया हूँ, जहाँ पे हज़रत मीरा सैयद हुसैन की मज़ार है, जो जहाँ पे मैं आपको ज़ियारत कराऊँगा और पूरी दरगाह घुमाऊँगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाल कलर के अक्षर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे दरगाह में, चलते हैं, आपको बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहिए, पूरी दरगाह घूमेंगे और देखते हैं आगे क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने ले लिया है फूल, चलते हैं अपन आगे। ये दरगाह जाने के लिए मेन मार्ग है, ऊपर लिखा हुआ है हजरत मीरा साहब सैयद हुसैन की जो दरगाह है, यहाँ से हम एंटर हुए और हम आप आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पे सभी धर्मों के व्यक्ति आते हैं, ये देख सकते हैं आप। दरगाह का मेन गेट है, अभी यहाँ से एंट्री है, एक बुलंद दरवाज़ा भी है जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से अभी एंट्री स्टार्ट है, तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं ये दरगाह का मेन गेट है, बुलंद दरवाज़ा जो पूरे अजमेर में दिखाई देता है। उर्स जो भी होता है तब इस दरवाजे को बहुत ही सुंदरता पूर्वक सजाया जाता है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ से ज़ियारत करके इस दरगाह में आते हैं। यहाँ पे मान्यता है कि जो भी मन्नत अपन मांगते हैं वो पूरी होती है, मन्नत कोई सी भी हो सब पूरी होती है। यहाँ का निर्माण, जिन व्यक्ति की मन्नत पूरी हुई है उन्होंने सभी ने कोई ना कोई दरगाह को कुछ भेंट करा है, उसी के कारण आज दरगाह का काफ़ी हद तक विकास हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर अंदर काफ़ी सुंदर नज़ारा है दरगाह में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दरगाह मज़ार है, काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है, गुम्बद बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बीच का गुम्बद बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये पूरा अजमेर में दिखाई देता है, काफ़ी ऊंचाई में होने के कारण बहुत बढ़िया सीन आता है यहाँ से। यहाँ से दूर दूर से विदेशों से यात्री आते हैं दरगाह के अंदर। एक पेड़ भी है, जो किसी को बच्चा नहीं होता है तो उस पेड़ का फल खाने से उसे संतान प्राप्त होती है। इस दरगाह में सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी की जो भी मदद मांगते हैं वो पूरी होती है। यहाँ पे एक हवा में उड़ता हुआ एक पत्थर भी है, उस पत्थर के बारे में मान्यता है कि जब ख्वाजा साहब नवाज अदा कर रहे थे तब किसी ने, एक जादूगर ने वो पत्थर फेंका था, तो ख्वाजा साहब ने दो उंगलियों से उस पत्थर को रोक दिया था और घोड़े ने अपने पैर से रोक दिया था, तो ख्वाजा साहब की दो उंगलियों के निशान भी उस पत्थर में है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको उस पत्थर की भी ज़ियारत कराऊंगा और दिखाऊंगा किस प्रकार का है, क्या है, हवा में उड़ता हुआ पत्थर है। अभी आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, ये पानी देख सकते हो आप जो पाक होने के लिए होता है ज़ियारत करने से पहले। दोस्तों, मैं आपको दरगाह का मार्केट भी दिखाता हूँ, अंदर कुछ इस प्रकार का मार्केट है, यहाँ पर सभी वस्तुएँ जो भी है कम पैसे पे सस्ती मिलती है, माना जाता है दरगाह का मार्केट सबसे सस्ता मार्केट है, ये बहुत ही बढ़िया मार्केट है। अब मैं आपको और आगे घुमाता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या सीन है। ये देख सकते हैं आप, दरगाह की कोई दुकान है यहाँ पे। दरगाह मार्केट भी काफ़ी सुंदर मार्केट है, यहाँ का प्रसिद्ध मार्केट भी है। यहाँ पर आपको सुरमा वगैरह, आँखों का काजल, सुरमा इसके लिए प्रसिद्ध है तारागढ़ पूरा, सुरमा बहुत ही बढ़िया मिलता है यहाँ पर आंखों की चमक के लिए। बहुत शानदार नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, मार्केट है पूरा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। और अगले वीडियो में अपन मिलेंगे, एक वीडियो और है जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, ऐसी मान्यता है, एक बावड़ी का वीडियो बनाया जिसमें जन्नत जाने का रास्ता है, तो मैं आपको वो बताऊंगा अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें।